कटकाना के जन्मोत्सव के 15 दिन बाद बरसाना में उनकी आलादिनी शक्ति राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। राधाष्टमी महोत्सव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बरसाना के बिंगस्टन होटल के सभागार में राधाष्टमी महोत्सव को लेकर बैठक करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विभागों के संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। बरसाना में राधा अष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और दूर दूर से देश विदेश से दर्शनार्थी और श्रद्धालु आते हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमारे और डीएम साहब द्वारा यहाँ पर सभी के साथ एक बैठक की गई है। जो भी विभाग है उनकी सबकी जिम्मेदारियाँ फिक्स की गई हैं, कैसे ट्रैफिक प्लान बनेगा, पार्किंग्स कहाँ पर बनेगी, पार्किंग में क्या व्यवस्था रहेगी और दर्शनार्थी जो हैं वो कैसे आकर के अपने दर्शन कर पाएंगे, यही संकल्प लेकर के सभी विभाग बैठे हैं कि जो भी दर्शनार्थी और श्रद्धालु दूर से आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, सुगमता और सुविधा का पूर्ण ख्याल रखा जाए और वो और उनका परिवार जो है अच्छी स्मृतियाँ यहाँ से लेकर के। गत वर्ष कोरोना की वजह से मेला नहीं हुआ, लेकिन इस बार होगा तो श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होने की संभावना है और कोरोना का भी है, तो कैसे इसको संभालना है? देखिए, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग और बाकी विभाग है इन सभी जो गाइडलाइंस है उनको पालन कराने के लिए उनके द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपके माध्यम से भी मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि जब भी यहां पर आप आएँ तो विशेष रूप से संख्या अगर ज़्यादा होती है तो उसको देखते हुए छोटे बच्चों का और बुज़ुर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो पुलिस विभाग और जिला प्रशासन सदैव आपकी सहायता करने के लिए। राधाष्टमी का आयोजन अब की बार दिनांक 13-14 तारीख को किया जाएगा, बड़े ही भव्य और दिव्य रूप से किया जाएगा। जो हमारे दर्शनार्थी श्रद्धालु हैं किसी प्रकार की उन्हें समस्या ना रहे, इसके लिए हमारी जो सड़कें हैं वो पैचलेस कराए जाने की कार्रवाई चल रही है। विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, कंडक्टर्स वगैरह सारे नए हों, पोल्स वगैरह कोई जर्जर ना हो, हमारी ये सजावट की जो व्यवस्था है वो उच्च कोटि रहे। ग्रामीण क्षेत्र में ये जिम्मेदारी BDO को दी गई है, शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत कार्य करेगी। हमारी विभिन्न जो पार्किंग के एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं और ट्रैफिक का भी आवागमन जो है वो सुचारू रूप से रहे, बिना किसी प्रॉब्लम के रहे, तो एक भव्य और दिव्य आयोजन कराने का अब की बार प्रशासन ने प्रण लिया है, वो हम जरूर कराएंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।